ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 에어 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ 30 ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਮਲਾ। अमरीकी फौज ने सोमालिया के शहर गलकार्ड नेड़े अतवादी संगठन इस्लामिक अल सबाब के टिकाने से एयर स्ट्राइक करके 30 अतवादियों को मौत के घाट उतार दिता है। अमरीकी अफरीकी कमांड ने दसिया कि अमरीकी फौज ने सोमालिया के शहर गलकार्ड के नेड़े अतवादी संगठन इस्लामिक अल सबाब के टिकाने से एयर स्ट्राइक करके 30 अतवादियों को मौत के घाट उतार दिता है। अमरीकी अफरीकी कमांड ने दसिया है कि अमरीकी फौज के हमले के मध्य सोमाली शहर गलकांड के नेड़े 30 अतवादी मारे गए ने, जिथे सोमालिया की फौज के नाल अल सवाब के लड़ाकिया की लड़ाई चल रही थी। यह हमला सोमालिया की राजधानी मेगादिशु तो 260 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व के गलकांड के नेड़े किया गया। यूएस अफ्रीका कमांड ने दसिया है कि इस हमले के दौरान कोई भी नागरिक जख्मी या फिर मारिया नहीं गया है। अमरीकी फौजियों ने सोमालिया की राष्ट्रीय फौज के समर्थन दे विच एह हमला किया है, जो कि 100 तो ज्यादा अल सवाब लड़ाकिया दे नाल भयानक लड़ाई दे विच लगे हुए सन। रक्षा अधिकारियों के अनुसार हवाई हमले के समय जमीन से कोई अमरीकी फौज मौजूद नहीं सी। अमरीकी फौज ने अपने बयान दे विच आख्या है कि सोमालिया पूरे पूर्वी अफ्रीका दे विच स्थिरता अते सुरक्षा दे लई खतरा बनिया होया। उन्होंने आख्या कि यूएस अफ्रीका कमांड दीआं फौजां अल सवाब सब तो वड्डे अते सब तो घातक अलकायदा नूं हरोन दे लई जरूरत उपकरण देण दे विच मदद करन दे लई सहयोगी बलां नूं ट्रेनिंग सलाह अते हथियारां दे नाल लैस करना जारी रखणगे। दस दिए कि अल सवाब अतवादी संगठन अलकायदा के नाल जुड़िया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।